तो कैसे हो मेरे भाई, मेरा नाम है प्रकाश नारायण, आपका स्वागत है फिल्म फैंस के एक और रिव्यू वीडियो में। तो भाई आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ द वैक्सीन वार, जो कि आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में लगी हुई है। और इस फिल्म को भाई मैंने देख लिया है। तो भाई मैं इसके वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हूँ, इस फिल्म को मैंने आज ही देखा है। तो भाई देख के मुझे काफ़ी मज़ा आया और यह फिल्म कह सकते हैं कि कश्मीर फाइल से भी 1% ऊपर है, क्योंकि भाई इस फिल्म में जो चीज़ दिखाया गया है, कश्मीर फाइल का जो मुद्दा है वो काफ़ी पुराना हो चुका था, लेकिन हम लोगों ने कश्मीर के बारे में बहुत कुछ सुना था। और जो कोरोना का मुद्दा था हाल ही फिलहाल गुजरा था और उस पर यह फिल्म बन के आई है। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि कोरोना के समय हमारे देश के जो साइंटिस्ट थे, जो कि डॉक्टर थे, जो हमारे लैब में कोरोना वैक्सीन को बनाया था, भाई उनका योगदान क्या है और उन्होंने भाई करोड़ों लोगों की जान बचाई है। क्योंकि जो बाहरी मीडिया थी वो बोल रही थी कि भारत के लोग लगभग 40 करोड़ लोग प्रभावित होने वाले कोरोना से और करोड़ों लोगों की जान जाने वाली है, लेकिन हमारे डॉक्टरों ने, हमारे जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं भाई, उन्होंने सारे को झूठा साबित कर दिया है। तो भाई उन लोगों को इस फिल्म में आपको दिखाया गया है कि हमारे देश के साइंटिस्ट उस समय जब कोरोना से पूरा दुनिया तबाह होने वाला था, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में जो कि हमारे देश से कई गुना मतलब अधिक संपत्ति वाला देश है, वहाँ हमारे देश से कई ज़्यादा फैसिलिटी है, वहाँ भाई हमारे देश से ज़्यादा लोग मरे थे, लेकिन उसको न दिखाते हुए हमारे देश के मीडिया और कुछ लोग थे जो कि सरकार को टारगेट करने के चक्कर में अपने देश को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे थे, और जो कि बहुत ही गलत था और जो कि सरासर झूठ था। तो उन सारी चीज़ों को इस फिल्म में टैकल किया गया है। और आप सोच सकते हैं कि यह कश्मीर फाइल से भी क्यों बड़ा है, और कह सकते हैं कि वो मुद्दा पुराना हो चुका है, हमारे हाथ से निकल चुका है और उस पर अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जो कोरोना के समय जो घटना घट रही थी जिससे करोड़ों लोग मारे जा सकते थे, उनको हम लोगों ने बचाया है, हमारे देश के साइंटिस्टों ने बचाया है। तो भाई वो कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल से भी मुझे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा और इस कारण से मुझे यह फिल्म ज़्यादा बेहतर लगी। और टेक्निकली इस फिल्म को और भी बेहतर बनाया गया है, कश्मीर फाइल में थोड़ी बहुत जो ग्राफिकल और मतलब सिनेमेटोग्राफी के तौर पर थोड़ी बहुत कमियां सीजीआई वगैरह में दिखने को मिल रही थी, वो इसमें पूरी तरीके से पूरा कर दिया गया है। तो भाई यह फिल्म काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई इस वीडियो को शेयर कीजिए, और भाई अगर आपने अभी तक यह फिल्म देखी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जाके देखिए, क्योंकि भाई आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं विदेशी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं, हमारे देश को टारगेट करते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को इस फिल्म में दिखाया गया है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर की, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिन्होंने इससे पहले कश्मीर फाइल को भी डायरेक्ट किया है, और इस फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी कमाल करके दिखाया है और इस फिल्म को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। और इस फिल्म की स्टोरी जो कि कोरोना काल की है, और कोरोना के समय जो भी हमारा देश उस महामारी से जूझ रहा था, उसमें हमारे देश के मेडिकल वैज्ञानिक थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने किस जद्दोजहद में कोरोना की दवा को बनाया था और पूर्ण रूप से यह स्वदेशी था, उनको क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, हमारे देश के कुछ लोग थे जो हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे थे, हमारे देश पर ही सवाल कर रहे थे कि भाई इंडिया तो ये कर ही नहीं सकता, हमें विदेशियों से दवा लेनी चाहिए थी। एक दवा उस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था जिसका नाम एफ्से है, तो भाई वो दवा लेने के लिए हम लोग पर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन इस फिल्म में हमको दिखाया गया है कि वो दवा के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्यों मंजूरी नहीं दे रही थी, उन सारी चीज़ों को इसमें उजागर किया गया है। तो हर चीज़ हर पहलुओं को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया। मुझे इनसे एक ही शिकायत है कि कुछ प्रोपगंडा थे जिनको इन्होंने नहीं दिखाया है, तो भाई मैं उससे थोड़ा सा दुखी हूँ। वही अगर बात करें फिल्म के कलाकारों की, तो भाई नाना पाटेकर लीड रोल में है, वही पल्लवी जोशी भी है जो कि उनका साथ दे रही है, और इन सभी का जो जो लोग इसमें कास्ट किए गए सभी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अनुपम खेर भी एक छोटे से रोल में ही हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के बहुत बड़े अधिकारी के तौर पर उनको दिखाया गया है, हालांकि उनका नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन उनका रोल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी दमदार था। और अनुपम खेर कश्मीर फाइल में भी थे, तो कह सकते हैं कि उन्होंने इस फिल्म में भी अपना बेहतरीन अभिनय किया है। नाना पाटेकर इस फिल्म की हाईलाइट है, पल्लवी जोशी इस फिल्म की हाईलाइट है, बाकी जो भी साइंटिस्ट के कैरेक्टर को जिन लोगों ने निभाया है, जो कि इस फिल्म में महिलाएं हैं, भाई यह फिल्म महिलाओं पर ज़्यादा जोर देती है, और मेडिकल के क्षेत्र में कह सकते हैं कि जो मेडिकल साइंटिस्ट के क्षेत्र है उसमें महिलाएं हमारे देश में आगे हैं, वो इस फिल्म के माध्यम से हमें पता चलता है, जो कि काफ़ी प्राउड की बात है। महिला को सशक्त बनाने की बात तो ऐसे बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि भाई जो घर में काम करने वाली महिलाएँ हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं, वो ऑलरेडी सशक्त हैं और उनको देखकर अच्छा लगता है, इस फिल्म में वो दिखाया गया है। तो भाई ओवरऑल बात करें पूरी फिल्म की, तो पूरी फिल्म मुझे काफ़ी पसंद आई और यह फिल्म हमें अच्छी लगी है।
तो आपसे एक ही अनुरोध है, आप इस फिल्म को जाके जरूर देखिए, क्योंकि यह फिल्म हमारे देश के सच्चाई को ला के रखती है और उन लोगों का पर्दाफाश करती है जो कि हमारे देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। तो इस फिल्म को आपको देखना ज़रूरी है, इस फिल्म को हिट होना ज़रूरी है, क्योंकि यह फिल्म हिट होगी तो भाई, इसके डायरेक्टर पहले भी बोल चुके हैं कि उन्होंने इस फिल्म में अपना सारा पैसा लगा दिया है, तो इस कारण से इस फिल्म को हिट होना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की फिल्में और भी हमें देखनी है, और भी कई सारे मुद्दे हैं, तो उन सारे मुद्दों को विवेक रंजन अग्निहोत्री हमारे सामने ला सकते हैं। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इस फिल्म को जाकर जरूर देखिए। तो भाई यही तक आना मेरा इस वीडियो में। तो भाई लास्ट में बात करें इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को 10 में से 9 की रेटिंग देता हूँ। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और रिव्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।